हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विलेज 090। तो आ चुके हैं हम एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम आपको लोअर चेस्ट वर्कआउट के कुछ बेसिक टिप्स और लोअर चेस्ट फैट कम करने के कुछ इफेक्टिव तरीके बताएंगे, जिससे आप अपने घर पे या ग्राउंड पे कहीं पे भी करके अपने लोअर चेस्ट को बहुत अच्छा और लोअर चेस्ट फैट को कम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला एक्सरसाइज है डिक्लाइन पुशअप। डिक्लाइन पुशअप लगभग लोग ये समझते हैं कि अपर चेस्ट पे अच्छे इफेक्ट आता है, लेकिन अगर आप हल्का बॉडी आगे की तरफ करेंगे तो हम बता रहे हैं ये होता है अपर चेस्ट के लिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं लोअर चेस्ट के लिए। आपको क्या करना है, ये बॉडी आगे ले गया, उसके बाद पुशअप करना है। ये होल्ड आप इस एक्सरसाइज को आप बहुत स्लो करें और स्टार्ट पे आप 3 करें 4 करें 5 करें। बहुत ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं कि फर्स्ट डे 10 करें 20 करें, नेक्स्ट डे हिम्मत ही नहीं करने का। आप अपने हिसाब से करें अगर आप बिगनर्स हैं। हमारा दूसरा एक्सरसाइज है, इसके लिए हम पैर को आगे करेंगे और बहुत सारे ऐसे करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा ट्राइसेप पे इफेक्ट आता है। अगर आप बॉडी को हल्का आगे की तरफ डाउन करें, ऐसे ना करके आप हल्का आगे की तरफ ऐसे डाउन करेंगे, आपके चेस्ट पे बहुत इफेक्ट आएगा लोअर चेस्ट पे। एक्सरसाइज को भी आप अपने हिसाब से करें। स्टार्ट किया 10 डेज, बहुत ही कम रिप से ही स्टार्ट करें। जितने भी बिगनर्स हैं, ये एक्सरसाइज है, सारे एक्सरसाइज मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। स्टार्ट पे आप कम से कम करें, आगे हैबिट तो लाएं एक्सरसाइज करने का। पता चला फर्स्ट डे आप बहुत सारा कर लिए, 2 दिन 3 दिन तक फॉलो किए, उसके बाद भैया बॉडी पेन हो रहा, अब नहीं होगा हमसे, छोड़ो वीडियो, ऐसे में क्या होगा। स्टार्ट करें, आगे हैबिट बनाएं आप एक्सरसाइज करने का, उसके बाद फिर धीरे धीरे अपने रिप को बढ़ाएं। फिर धीरे धीरे जब आपको आदत लग जाएगा, आप खुद से ही उठेंगे और अपना एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, अच्छे से करेंगे, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो हमारा तीसरा एक्सरसाइज है लोअर चेस्ट के लिए, आपको लेटना पड़ेगा। आप इस एक्सरसाइज को बहुत स्लो करें और फील करें कि हाँ, हमारा ये जो चेस्ट का पार्ट है ना, ये खिंच रहा है, इफेक्ट आ रहा है, इस पे प्रेशर आ रहा है। इस एक्सरसाइज के लिए आपको घंटे का भी यूज कर सकते हैं, पानी बॉटल का भी यूज कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको मिल जाएंगे जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने लोअर चेस्ट के लिए। तो वीडियो में इतना ही, आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो। और ये वीडियो हम घर पे बना रहे हैं, तो आज तो बहुत कहूँगा काँव काँव कर रहे होंगे, तो प्लीज़ वो सबको इग्नोर करिएगा आप सभी। और आप सभी जितने भी वर्कआउट करते हैं, आप लोग स्ट्रेचिंग पर बहुत ही ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग सोचते हैं केवल वर्कआउट से बॉडी ग्रोथ होता है, इम्प्रूव होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना अच्छा वार्म अप करेंगे, फिर वर्कआउट के बाद आप स्ट्रेचिंग करके कूल डाउन करके घर जाएंगे, तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं आप आए जल्दी मार दिए ख़त्म, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसे में आपको कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए आप अच्छे से वार्म अप करें, स्ट्रेचिंग करें, वर्कआउट कंप्लीट करें, फिर से कूल डाउन करें, रिलैक्सेशन करें, उसके बाद ही आप घर जाएँ। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और हमारी टीम को ज्वाइन करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जो ऐसे फिटनेस के वीडियो ढूंढ रहे हों, या फिर जो वर्कआउट स्टार्ट करना चाहते हों, जो बिगनर्स हैं, आपके फ्रेंड हैं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।